किसी भी बीम को डिज़ाइन करते वक्त सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो अपने को याद रखना है इन स्टील स्ट्रक्चर्स, बीम कौन से टाइप का है। फर्स्ट वन यू कैन कंसिडर एज अ लैटरली सपोर्टेड और द सेकेंड वन विच इज़ अ लैटरली अनसपोर्टेड। सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी वॉट आर दीज पर्टिकुलर लैटरली सपोर्टेड एंड अनसपोर्टेड बीम। हाई गाइज, माई नेम इज निखिल एंड यू आर वॉचिंग स्ट्रकनिक। बेसिकली इन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ बीम। फर्स्ट वन इज यू आर लैटरली सपोर्टेड एंड द सेकेंड वन इज लैटरली अनसपोर्टेड बीम। सो लैटरली सपोर्टेड अनसपोर्टेड क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो ये देखेंगे हम लोग। देखो, ये देखने के लिए बेसिकली मुझे स्टार्ट करना पड़ता है विद द फर्स्ट वन, लैटरली सपोर्टेड बीम के बारे में बात करते हैं हम लोग। लैटरली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ये पर्टिकुलर इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, लैटरली सपोर्टेड बीम मतलब जिसको सपोर्ट है, ठीक है ना। ये किधर से मालूम पड़ेगा या फिर इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रेफर IS 800। इसमें से जो क्लॉज नंबर है 8.2.1 पेज नंबर 52 पे दिया हुआ है, ठीक है, इसके रिलेटेड जो डिज़ाइन प्रोसीजर है ना, दैट इज़ बीन गिवन इन द IS 800 ऑन पेज नंबर 52। सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि ये लैटरली सपोर्टेड एंड अनसपोर्टेड बीम क्या रहते हैं। तो ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बेसिकली वी हैव टू रेफर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ये। देखो, सबसे पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। ये कंसीडर करो, देखो मोस्टली जो बीम्स रहते हैं वो हम लोग आई सेक्शन से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर आई सेक्शन है ना, ये आई सेक्शन एक स्लैब के अंदर एम्बेडेड है, मतलब उसका जो अपर फ्लैंज है, ठीक है, इसको हम लोग मोस्टली बोल सकते हैं कंप्रेशन फ्लैंज। तो जो कंप्रेशन फ्लैंज है वो किस में एम्बेडेड है? दैट इज एम्बेडेड इन द स्लैब, ठीक है। इस स्लैब के अंदर ही कास्ट करते वक्त इसके अंदर ही रखा गया, ठीक है। अभी लैटरली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या होता है? तो देखो, इफ इट इज इफ देर इज एनी काइंड ऑफ अ टॉर्शनल मूवमेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अगर कोई टॉर्शनल मूवमेंट आ रहा है तो ये बीम बेंड नहीं होने वाला या फिर रोटेट नहीं होने वाला, ठीक है, सॉरी रोटेट नहीं होने वाला। सो अगर ये पर्टिकुलर बीम इट इज हैविंग सम टेंडेंसी टू रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर नॉमिनल टॉर्शनल मूवमेंट, ये ऐसे डायरेक्शन में अगर कोई मूवमेंट आ रहा है ये पर्टिकुलर बीम में, तो उसको अगर वो रेजिस्ट करने का उसका टेंडेंसी है या फिर उसका कैपेसिटी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो लैटरली सपोर्टेड। सो लैटरली सपोर्टेड मतलब क्या? तो देखो, इसमें जो टॉर्शनल नॉमिनल टॉर्शनल मूवमेंट है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का कैपेसिटी है। इसके आगे चलते एक सेकेंड वाला एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये सेकेंड वाला एग्जांपल में क्या किया हुआ है, ये बीम्स का अपर फ्लैंज कंप्रेशन फ्लैंज स्लैब में नहीं है, बट हम लोग ने इधर क्या प्रोवाइड किया है? वी हैव प्रोवाइडेड शेयर कनेक्टर्स ओवर हियर, ठीक है। शेयर कनेक्टर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एट दिस टू पर्टिकुलर पॉइंट। तो अभी ये शेयर कनेक्टर्स क्या करेंगे? बेसिकली दे विल ऑल्सो ट्राई टू प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर रोटेशन, ठीक है। उसमें जो टॉर्शन आएगा बीम में उसको वो क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक सेकेंड टाइप हो गया, जैसे कि ये भी हो गया अपना लैटरली सपोर्टेड, ठीक है। और एक टाइप का एग्जांपल आता है, देखो ये जो थर्ड टाइप का एग्जांपल है ना, इसमें क्या किया हुआ है, दो बीम्स हम लोग ने बैक टू बैक और सॉरी नॉट बैक टू बैक साइड बाय साइड प्लेस करके रखे। इसमें हम लोग किसी स्लैब का वगैरह इन्फ्लूजन नहीं कर रहे, बट क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में ना हम लोग ने ब्रेसेस प्रोवाइड किए हुए, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में अगर हम लोग ने जो ब्रेसेस प्रोवाइड किए हुए हैं, ये ब्रेसेस क्या कर रहे हैं? बेसिकली दिस पर्टिकुलर ब्रेसेस विल ट्राई टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर शिफ्टिंग। ये अगर इसको इधर ए साइड जाना है या फिर ये पर्टिकुलर इसको अगर टॉर्शन में जाना है तो उसको वो क्या करेगा? अवॉइड करेगा। तो ब्रेसेस आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट ओवर हियर। तो ये भी क्या हो गया, दिस विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज इफ लैटरली सपोर्टेड बीम। नाउ विल गो फॉर द सेकेंड पार्ट, दैट इज अ लैटरली अनसपोर्टेड बीम, ठीक है। अभी लैटरली अनसपोर्टेड बीम के बारे में जो कुछ भी फॉर्मूलाज है, उसका जो डिज़ाइन प्रोसीजर है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन अगेन IS 800 क्लॉज नंबर 8.2.2 जो कि पेज नंबर 54 पे है। इसके रिलेटेड जो डिज़ाइन स्टेप्स है फॉर लैटरली अनसपोर्टेड बीम, दीज आर गिवन ऑन पेज नंबर 54 एंड फॉर लैटरली सपोर्टेड बीम दीज आर गिवन ऑन पेज नंबर 52। सो इफ यू रेफर अवर IS कोड विल कम टू नो कैसे कैसे डिज़ाइन या फिर कौन से फॉर्मूलाज दैट वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट वाइल वी आर डिज़ाइनिंग इट। ज़रा आगे चलते नेक्स्ट क्या करते हैं। देखो, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट ए लैटरली अनसपोर्टेड बीम।
सो लैटरली अनसपोर्टेड बीम मतलब क्या? तो देखो बेसिकली एक मेरा ऐसा दो वॉल्स रखा हुआ है, तो वॉल्स के ऊपर ठीक है मैंने बीम रख दिया, दैट इज़ अ आई सेक्शन राइट ना। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी अवर बीम एंड इसको क्या बोल सकते हैं, सो विल कॉल दिस विल बी एज अ सपोर्ट। इसको क्या बोल दिया हम लोग ने, सपोर्ट। ये जो दो वॉल्स है दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बीम। अभी होगा क्या, वेन एवर लेट अस से विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट एट एनी एंड ठीक है, या फिर रोटेशनल मोमेंट आ रहा है ये पर्टिकुलर इसके ऊपर, तो इसकी वजह से ये सिंपली सपोर्टेड है तो ये टॉर्शन में ले लेगा और इट कैन से गो अंडर अ टॉर्शनल पार्ट। सो ये क्या हो गया, तो अगेन वी कैन कॉल दिस पर्टिकुलर एज अ लैटरली अनसपोर्टेड बीम। और एक कौन सा टाइप होता है, तो देखो लेट अस से कि एक 2D डायग्राम में हम लोग इमेजिन करते हैं, एक ऐसा ही वॉल है जिसके ऊपर हम लोग ने क्या किया, तो एक बीम लगाया हुआ है, दिस विल कॉल एज इफ अ कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में बेसिकली क्या हो रहा है, तो एक लोड आ रहा है एट दिस पर्टिकुलर एंड विच इज़ अ टॉर्शनल लोड और टॉर्शनल मोमेंट आ रही है ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो सेक्शन है ना, दिस विल गो अंडर अ टॉर्शनल पार्ट। सो टॉर्शन हो जाएगा ये पर्टिकुलर सेक्शन में, आई विल बी हैविंग अगेन द सेकेंड टाइप दैट इज लैटरली अनसपोर्टेड बीम, बिकॉज ये जो टॉर्शनल मोमेंट आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए ये एंड पे कुछ है ही नहीं अपने पास। लेट अस से हम लोग ने इधर और एक फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ रहता था, सो एट दिस पर्टिकुलर फिक्स सपोर्ट फिर भी अगर ये मोमेंट आता था तो दिस विल नॉट गो अंडर अ रोटेशन। तो इसीलिए ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो विल कंसिडर दिस पर्टिकुलर ऑल्सो एज इफ अ लैटरली अनसपोर्टेड बीम। क्यों लैटरली अनसपोर्टेड बीम, बिकॉज ये सपोर्ट है ही नहीं ठीक है, एंड विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ अ मोमेंट एट दिस पर्टिकुलर। सो वाइल डिजाइनिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सेक्शन वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ द सम ऑफ द फॉर्मूलाज। अभी लैटरली सपोर्टेड बीम के लिए कौन से फॉर्मूलाज को अपने को देखना है वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट वी हैव टू रेफर द आईएस कोड। आईएस कोड में कौन सा, तो देखो वी हैव टू रेफर IS 800। सो वी आर गोइंग ऑन द फर्स्ट पार्ट दैट इज पेज नंबर 52 पे जा रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ लैटरली सपोर्टेड बीम ठीक है। सो लैटरली सपोर्टेड बीम के लिए आई हैव टू स्टार्ट विद द बीम्स जो सेक्शन 8 है पेज नंबर 52 पे ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट मुझे रेफर करना है दैट इज द लैटरली सपोर्टेड बीम। तो लैटरली सपोर्टेड बीम में सबसे पहले जो हमें रेफर करना रहता है दैट इज अ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ योर लैटरली सपोर्टेड बीम विच इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट इज MD इज इक्वल्स टू बीटा बी ZP FY / γ m0। MD क्या रहता है, तो MD विल बी द डिजाइन मोमेंट ठीक है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी वी कैन से। सो डिजाइन मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी अपने को निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज़ करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ द थिंग्स विच आर गिवन इन द फॉर्मूला। सो सबसे पहला रहता है तो बीटा बी, सो बीटा बी विल बी गिवन एज ए वन फॉर अ प्लास्टिक एंड अ कॉम्पैक्ट सेक्शन। एंड अगर प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन नहीं है सो अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रेफर बीटा बी इज इक्वल्स टू ZD upon ZP फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। वेन एवर वी आर स्टार्टिंग विद वन एग्जाम्पल वी विल कम टू नो हाउ वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज यूजिंग IS 800 एंड वॉट आर द वैल्यूज दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज। बट टिल नाउ वी जस्ट कंसिडर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट इज MD इज इक्वल्स टू बीटा बी ZP FY / γ m0। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द सेकेंड पार्ट दैट इज इट लैटरली अनसपोर्टेड बीम। सो देखो लैटरली अनसपोर्टेड बीम के डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू रेफर क्लॉज नंबर 8.2.2 विच इज़ फॉर लैटरली अनसपोर्टेड बीम। अभी लैटरली अनसपोर्टेड बीम में अगर मुझे डिजाइन मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करना है तो बेसिकली दैट इज गिवन बाय MD इज इक्वल्स टू बीटा बी ZP FB ठीक है। सो व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट इज लैटरली अनसपोर्टेड बीम का अगर हम लोग डिज़ाइन करेंगे तभी ये पर्टिकुलर ये इसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हम लोग लैटरली सपोर्टेड एंड कैसे हम लोग लैटरली अनसपोर्टेड बीम्स को डिज़ाइन करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट। दिस इज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर द बीम्स एंड इन द नेक्स्ट सीरीज और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ डिज़ाइन ऑफ अ लैटरली सपोर्टेड बीम। एक बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे and then we'll go for the beams in the details in the next lecture. I hope all of you have understood this particular part very well. If you have any doubts or queries, please drop them in the comments below. Thank you so much for watching. Take care.